ग्लोबल बिग डे की स्टार्टिंग हो चुकी है। एक छोटी सी राइड प्लान हो चुकी है। राइड छोटी है लेकिन पूरा दिन मैं बिजी रहूंगा। और एक्चुअली आज ग्लोबल बिग डे है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहा है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो अभी टाइम हो गया है 4:37। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र, आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और अभी मैं जो राइड पर जा रहा हूँ, मैं क्या लेके जा रहा हूँ, टॉप बॉक्स लेके जा रहा हूँ। टॉप बॉक्स में मेरा ड्रोन है नानू, आज इसके फुटेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेरा कैमरा बैग है, कैमरा बैग में DSLR और ये सब कुछ रखा हुआ है, लेंस वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कल 47 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया और 50-55 किलोमीटर की मुझे राइड करनी है। तो निकलते हैं और सीधा मिलता हूँ मैं फिर आपको GoPro पे, बाकी बातें सिर्फ GoPro पे होंगी। अभी मैंने टर्न ले लिया है सेवर चौराहे से सीधा बयाना वाली रोड पे और जी हाँ, मैं जा रहा हूँ बंद बारहठा और ग्लोबल बिग डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहा है। और श्याम सुंदर शर्मा जी, जैसा मैं आपको पहले भी उनको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं अपने और ब्लॉग्स में, और काफ़ी डेडिकेट पर्सन हैं नेचर के प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति। तो वे ऑलरेडी एक दिन पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, तो आज पूरा दिन उनके संग रहेंगे, बर्ड वॉचिंग करेंगे, उनसे कुछ नॉलेज गेन करेंगे, आपको भी कुछ अच्छा सीखने को सुनने को मिलेगा। और अब इस रोड को तो मैं क्या ज़्यादा दिखाऊं, और मेरे पिछले ब्लॉग्स हैं बंदवारेठा वगैरह के, तो उनकी मैं आई बटन पर एक लिंक डाले दे रहा हूं, तो आप जाके देख लेना। तो अब यहां से सीधा निकलता हूं और मैं मिलता हूं आपको बंदवारेठा। और अब मैं आ चुका हूं बंदवारेठा पे, और बंदवारेठा के ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हो ना उधर, वहाँ पर मैंने बाइक को पार्क कर दिया है और श्याम जी को मैंने देख लिया है, वो झाड़ियों बैठे हुए हैं, अभी चलते हैं उनके पास। ग्लोबल बिग डे की स्टार्टिंग हो चुकी है और लिस्टिंग वगैरह मैंने अपना ईवेंट चालू कर दिया है, बाकी श्याम जी के पास अपडेट लेता हूँ। तो चलिए अभी सीधा मैं जाता हूँ श्याम जी के पास। अब इन झाड़ियों में होके ही श्याम जी मिलेंगे हमको। राम राम भाई साहब, राम राम, राम राम, राम राम। ये देखो, ये देखो इस आदमी को, ये सुबह जल्दी आ गए, हम थोड़ा सा लेट आए। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी दूर से आए हम, हालांकि ये देखो ये डेडिकेट है, हम थोड़े से ऐसे ही हैं, सपोर्टिंग भी चल रही है, है ना। आपकी आपकी यात्रा में मैं आपको बता दूं श्याम जी, रोड बहुत शानदार बन गई है भरतपुर से बंदवारेठा के लिए, आप इजीली आ सकते हो, स्टेट हाईवे की तरह बन गया। पहले गड्ढे वड्ढे थे, मैंने दो ब्लॉक की इनमें आई बटन में लिंक भी डाली है, पहले रोड ख़राब था लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं इनके संग बैठता हूँ, हमने अपना डेरा जमा लिया है। और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर बाद में इनसे फिर पूछेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ऐसे आदमी हैं, जब कोरोना चल रहा था लोग घर बैठे हुए थे ना, तो इन्होंने एक यूँ समझ लो जंगली ढूंढ मारा, और वो आघापुर है जिसके मैं कई बार ब्लॉग वगैरह डाल चुका हूँ। मोर देन 100 बर्ड्स स्पीसीज़ वहाँ पर इन्होंने फाइंड आउट की हैं, जिसके लिए लोग दूर दूर जाकर बर्डिंग्स वगैरह करते थे, बर्ड वॉचिंग करते थे। अब ये इतने डेडिकेट आदमी हैं, ये रुकते नहीं हैं एक्चुअल में, दुनिया जब घर बैठी थी ये जब जंगल में बैठे हुए थे। बर्ड वॉचर हैं जो काफ़ी देशों से, बाहर की कई कंट्रीज से लोग आते हैं और इनके संग बर्ड वॉचिंग का आनंद लेते हैं और काफ़ी खुश होकर जाते हैं। कई बार मैंने इनके फेसबुक पर कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, इनके गेस्ट हैं जो बाहर से विदेशों से यहाँ आते हैं, तो काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी लगाव है लोगों को इनसे, और हमको तो है ये, इसलिए हम आज यहाँ बंदवारेठा बैठे हुए हैं 55 किलोमीटर दूर भरतपुर से। इसके बाद का प्लान देखेंगे क्या करते हैं, ये आज इनके संग ही रहना है हमें, कुल मिला बात ही है। आज हम किस मकसद को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं उसके बारे में भी बताएं। पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप ये अपना ये जो ग्रेट इवेंट है, एक बहुत बड़ा फन है जो हम लोग हर पर ईयर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लोबली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें सब लोग, और अब की बार मोर देन 193 और 194 कंट्रीज़ हैं जो भाग ले रही हैं। तो ये एक ग्लोबल इवेंट है और इसमें हम लोग बर्ड्स को देखते हैं, उनको काउंट करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके बिहेवियर और उनके 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 साउंड को रिकॉर्ड करना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, बस ये फन हम लोग करते हैं, और ये सब हम लोग शेयर करते हैं ई बर्ड पर, जो सीधा ग्लोबल बर्डिंग जो अथॉरिटी है उनके साथ हम लोग शेयर करते हैं, और ये फिर एट द एंड सब काउंट की जाती हैं कि एक दिन में जो एक पूरा दिन है, आज इसको हम ग्लोबल बिग डे के नाम से मना रहे हैं, तो ये एक दिन में हमने पूरी दुनिया में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब ने मिलकर कितनी बर्ड्स को
आइडेंटिफाई किया, कितनी बर्ड्स को एक दिन में देखा, तो वो गोल है, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो अभी मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, थोड़ी मैं क्योंकि यहाँ पे एक डेढ़ घंटे पहले आया था, तो यहाँ पे जब से मैंने एक एक्टिविटी देखी उसको देख के बहुत मज़ा आया मुझे, यानी कि एक वाइट ब्रिस्टल वाटर हेन और दो ब्राउन क्रैक को भगा रहा था, दौड़ा रहा था। एक्चुअल में जब दोनों कुछ स्पीसीज आपस में जब फूड शेयर कर रही होती हैं, जब दोनों का मिलता जुलता फूड होता है, तो वो उनमें ये झड़पें होती रहती हैं, लेकिन वो सब कुछ देखने को ना बहुत कम मिलती है, क्योंकि ब्राउन क्रैक अपने आप में एक बहुत साई बर्ड है। वहाँ पे एक ब्रॉन्ज बींग जकाना है और उसके बच्चे हैं, वो उनको शायद फीड करा रही है। ये जकाना जो हैं वो एक्चुअल में आप देख रहे हो यहाँ, ये पानी है लेकिन ज़्यादा डीप वाटर नहीं है अभी, अभी ये शैलो है और इस पर बहुत मतलब वाटर लिली और ये सब कुछ बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा है। तो जकाना के लिए ये आइडियल हैबिटाट है, उसको उसको अपने नेस्टिंग के लिए बस इसी प्रकार का हैबिटाट चाहिए। तो अभी जो बच्चे दिख रहे हैं उनके साथ पांच बच्चों को लेके वो घूम रही है, तो ये समझ लें तो यहाँ पे इन्होंने एक सक्सेस ब्रीड किया है। हम एक्चुअल क्या वास्तव में मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इनको देखने पर जो सुखद अनुभव होता है ना, तो उसकी तो मैं आपको व्याख्या ही नहीं कर सकता। वो तो जो दिख रहा है और महसूस कर रहा है ना, तो वो ही जानता है, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू ये चीज़ दिखा रहा हूँ और आप भी इन्जॉय कीजिए। और अभी थोड़ा बहुत कुछ फिर मिलेगा तो मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी दूसरे स्पॉट पर जा रहे हैं और शाम जी आगे आगे निकल चुके हैं मेरे। तो इस तरीके का ये हैबिटाट है और काफ़ी बर्ड्स मैंने यहाँ पे कम से कम 15 से 20 स्पीशीज के आसपास यहाँ पर दिखाई हैं मुझको श्याम जी ने, और वो हमने ई बर्ड पर लिस्टिंग की है। तो अब ये डैम है ना, इसके ऊपर जाएंगे, डैम के ऊपर, फिर उसके बाद आगे एक महल है जो मैं पहले भी एक ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, वहाँ पर भी चलेंगे और ये ड्रोन शॉट वगैरह भी लेंगे। और सब पे मैंगो लगे हैं। बंदवाराठा में आम के काफ़ी पेड़ हैं और काफ़ी आम होता है यहाँ पे, टॉप बॉक्स में भर के लेके चले, लेकिन टाइम नहीं है इसके लिए, कभी और दिन डिसाइड करेंगे। चलिए तो ऊपर चलते हैं अब डैम के ऊपर। आम मिल गया है हमको छोटा सा, कह रहा हूँ आम के पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे आम हैं। और मैं लाड़ू दिखाता हूँ, और ये जो सारा एरिया देख रहे हो ये बांध है जिसको कहते हैं बंद बारेठा, और अभी इसमें पानी कम है एक्चुअली, जब बारिश होगी ना तो ये भर जाता है, इसमें मैंने काफ़ी पानी देखा है। और ये हमारे श्याम शर्मा जी अपने कैमरा वैमरा सेट करते हुए, और काउंटिंग रेगुलर स्टार्ट है और ईवर्ड पलिस्टिंग स्टार्ट है। स्पॉट हो गया रहा हमारा कंप्लीट और हम दूसरे स्पॉट की तरफ निकल लिए, और यहाँ पर हमने कई स्पीशीज़ देखी हैं और उनको ईबर्ड्स पर लिस्टेड किया है। फिलहाल अभी यहाँ से दूसरे स्पॉट पर चलते हैं। बरसात में ये जगह बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं और तब लोग यहाँ पर पहाड़ों का लुफ्त लेने के लिए आते हैं। पहले ये रोड बहुत ही ख़राब था और आज शायद ऐसा लग रहा है कि ये बन चुका है, नहीं अभी भी यहाँ पर वही ऑफ रोडिंग का लुफ्त आएगा। क्या बात है, हमारे श्याम जी उतर चुके हैं नीचे और ज़रूर इनको कुछ खास मिल चुका है, और हमारे श्याम जी ने एक पुलिया पर डेरा जमा दिया है और इनकी काउंटिंग स्टार्ट है। और हमको भी दिख चुकी है एक वाइड ईयर्ड बुलबुल,
लिस्टिंग हो चुकी है स्टार्ट, हमारे श्याम जी भी लग पड़े हैं, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, बाद में कोई स्पीसीज रह ना जाए। हम आ चुके हैं किशन महल पे और श्याम सुंदर शर्मा जी किसी से मिल रहे हैं और अभी थोड़ी देर में बर्ड वॉचिंग करेंगे। हम पे एक गलती हो गई, हम खाने के लिए कुछ नहीं लाए, अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है। वैसे टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन भूख लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मेरे पीछे ये किशन महल है और मेरे पिछले वाले ब्लॉग में एक मैंने पहले भी ब्लॉग डाला हुआ है इस बंदवारेठा के ऊपर, तो उसमें भी डाला हुआ था लेकिन पहले मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया था और अब की बार हम ड्रोन उड़ा रहे हैं और नए व्यू से नए एंगल से किशन महल को आपको दिखाऊंगा मैं। अभी जहाँ पर हम ये बर्ड वॉचिंग वगैरह कर रहे थे वो बेसिकली जगह है बंदवारेठा में किशन महल, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और आई होप कि मैंने आपको जो ड्रोन फुटेज दिखाए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो बात ये है और अभी ये तक हम 75 स्पीसीज फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और अब इसके बाद इस एक्चुअली हम ऑलमोस्ट सारा बंदवारेठा कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा ब्याना जाने का प्लान है। ब्याना जाने का रीज़न ये है कि वहाँ पर वल्चर मिलता है करीब, यहाँ से वो 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ब्याना यहाँ से। तो अभी थोड़ा एक डेढ़ घंटे अभी करते हैं क्योंकि हम पर पूरा दिन बाकी है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, रास्ते में कहीं जाएंगे और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो बने रहिए। तो ये एक्चुअली ब्लॉग अभी थोड़ा सा लंबा जाएगा। लंबा जाने का रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ छूटे यहाँ पे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिखा सकूँ और इसी वजह से ये लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ छोड़कर मत जाइए, साथ में बने रहना, एंड तक बने रहना और आपको पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा हो तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है, अपने यार दोस्तों के संग एंजॉय करना वीडियो को, और अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे आगे आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल सकें। और देखो चाय का लुफ्त ले रहे हैं, पीछे बैठे बैठे चिल कर रहे हैं, हमारी चाय भी रखी हुई है, भाई साहब की चाय रखी है। अब इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी जी। एक बहुत ही यूनिक इवेंट जो अभी हमारा चल रहा है ग्लोबल बिग डे बर्डिंग का, जानकारी के लिए बता दूँ व्यूवर्स कि ये जो सेंचुरी है इसमें 200 से ज़्यादा स्पीसीज बर्ड्स की मिलती हैं, 200 से ज़्यादा, और उनमें से कुछ तो बहुत यूनिक हैं, बहुत ही यूनिक हैं कुछ बर्ड्स तो। हाँ, जो क्यों एक्चुअल में क्या है, हम लोग वो बर्ड्स ना हम यहाँ देख सकते हैं, केवलादीप नेशनल पार्क जैसा पार्क जो यहाँ से 65 किलोमीटर यानी कि भरतपुर में है, वहाँ मोर देन 400 स्पीसीज हैं, बट कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है। उसका रीजन है ये अरावली का टेरेन होना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का हैबिटेट अलग है और भरतपुर वेटलैंड है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ आपको वेटलैंड के बर्ड भी मिलते हैं क्योंकि डैम है जी। यहाँ आपको आपका फॉरेस्ट बर्ड भी मिलते हैं क्योंकि आप देखेंगे ये हिल्स के नीचे साइड साइड में बहुत फॉरेस्ट है, यहाँ तो फॉरेस्ट बर्ड भी मिलेंगे आपको। फिर रॉक्स पे मिलने वाले जैसे ब्लू रॉक थ्रस काइंड ऑफ बर्ड्स जो रॉक्स पे मिलते हैं, तो ऐसी स्पीसीज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। 75 स्पीसीज तो अब तक हम लोग काउंट कर चुके, अभी 10 बजे हैं, 10 बजे
राइट, अभी तो हमारा पूरा दिन बाकी है, तो ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आगे की प्लानिंग अब अभी हम काफ़ी देर से इसको पूरे डैम को हमने बायनोकुलर से एक्सप्लोर किया है, तो जो स्पीसीज हमें यहाँ से देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर ली है, और भी हम अभी यहाँ पे अभी और 15 से 20 मिनट निकालेंगे और हमें कुछ और स्पीसीज दिखने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग है इसके पीछे के जो नीचे का फॉरेस्ट है ना और जो एज है वहाँ तक भी थोड़ा सा हम जाके देख के आए। चलिए तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करते हैं, फिर आगे। श्याम जी ने पकोड़े का और चटनी का दे दिया ऑर्डर, अब पकोड़े सकोड़े खा लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। बज गए 10:30 और गर्मी के मारे हो जाएगा अब थोड़ी बहुत देर में बुरा हाल। और एक मिल गए हमारे यहाँ सब्सक्राइबर, शानदार मज़ेदार, अब अच्छा लगता है जब लोग आज जानने लगते हैं, तो थैंक्स टू श्याम जी पकौड़ों के लिए, आप पकौड़े खा के फिर निकलते हैं। तो अभी हम बंदवारेठा को कंप्लीट करते हुए बयाना वल्चर क्लिप्स पर आ चुके हैं, और बंदवारेठा में काफ़ी अच्छा रहा और 115 स्पीसीज हमने वहाँ पर फाइंड आउट की, लिस्टिंग की। और अब हम बयाना में हैं और मेरे पीछे जो देख रहे हो आप बयाना वल्चर क्लिप्स हैं, और यहाँ पर इंडियन वल्चर की नेस्टिंग साइट है, यहाँ पर नेस्टिंग करती है और काफ़ी वल्चर ऊपर बैठे हुए हैं जो इस कैमरे में शायद आपको नहीं देख रहे होंगे, और बहुत ही शानदार नेस्टिंग साइट है और भरतपुर के आसपास के एरिया में सबसे बढ़िया साइट है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी बहुत और बर्ड वाचिंग करेंगे, लिस्टिंग तैयार करेंगे, बर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। अभी हम बयाना में हैं और सुबह से करीब 125 किलोमीटर की मैं राइड कर चुका हूं, जिसमें हमने दो इस जगह कवर की हैं, एक तो बंदवारेठा और बयाना, और बयाना में वल्चर क्लिप्स जो कि आपको भी दिखाई थी मैंने, और हमारे श्याम जी ग्लोबल बर्डिंग के साथ जो चेकलिस्ट है उसको शेयर कर रहे हैं। तो टोटल बंदवारेठा को और अगर इस बयाना को मिला के देखा जाए तो हमने करीब 118 स्पीसीज फाइंड आउट की हैं, और काफ़ी अच्छा दिन रहा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो यह समझ लो अच्छा भी रहा और थोड़ा गर्मी भी सहन की है, तो बढ़िया गया, बहुत अच्छा रहा आज का ग्लोबल बिग डे और बहुत अच्छा फन वाला दिन रहा। तो ठीक है, अब इस ब्लॉग पे ही करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे तो निकलना है भरतपुर और श्याम जी जाएंगे भुसावर, तो अब अंधेरा भी होने वाला है और अभी जाना है मुझे करीब 40 किलोमीटर की राइड अभी बाकी है, और 40 ब्लॉक को ही एंड करते 40-45 किलोमीटर। हमारे कुछ चाहने वाले हमारे पीछे खड़े हो गए, ये भाई साहब हमारे,
पूछ रहे हैं बाइक कितने की है। मैंने कहा भैया बाइक नहीं, कह रहे यूट्यूब देता है क्या। मैंने कहा आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहे तो शायद यूट्यूब भी दे दे। अभी यूट्यूब कुछ नहीं देता है, खाली हम फन और इन्जॉय के लिए काम कर रहे हैं। और पूछे थे कि कैसी कैसी ब्लॉगिंग करते हैं। दो शौक हैं, ये वाइल्ड लाइफ का शौक है और ये मोटो ब्लॉगिंग का शौक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब निकलते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लिए दोनों भाइयों ने, पीते हैं, बाकी श्याम जी पूरा कंप्लीट करते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड बिग डे का आज यहीं एंड करेंगे हम। और मैं थोड़ा सा श्याम जी से दो शब्द पूछ लेता हूँ आज के बारे में। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। थैंक यू सो मच टीम ग्लोबल बर्डिंग, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इट वाज ग्रेट फन। और ये समझो कि ये ग्लोबल वेडिंग वीकेंड मनाया जाएगा अक्टूबर में, तो उसकी एक तरीके से तैयारी भी हो चुकी है। हाँ, बहुत अच्छा था। और इस प्रकार के इवेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें और हम पे जो भी पार्टिसिपेट जैसे भी हम कर पाएंगे वो हम अपना योगदान देंगे, पूरा 100% योगदान देंगे। आज इतनी 47 डिग्री टेम्परेचर में, थैंक यू धर्मेंद्र भाई साहब, आज आपने बहुत मेहनत करी इसके लिए, राम जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को अपने संग लगाया। और मैं तो खैर मोहब्बत है मेरी नेचर से, बर्ड से। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल।